4 सितंबर ज्वाइन किया था, दोनों एक ही साथ ज्वाइन किया था। अपना अप्रोचमेंट है जिसको जहाँ पर समझ में आए, हम लोगों को क्रिस्टोफर सर का बहुत अच्छा लगता है। तो आप चारों ने मतलब यहाँ पर कोचिंग ले रहे हो सीजीएल के लिए? सीजीएल के लिए इसके एसएस भारती के लिए रखे और इंग्लिश के क्रिस्टोफर के लिए रखे और रीजनिंग के विक्रमजीत के लिए रखे, जीएस खुद कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का समय है और अभी हम आ चुके हैं बत्रा पे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्रिस्टोफर सर का बैनर लगा हुआ है और अभी जो है सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट का जो बैच है वो छूट गया है। तो आज हम रिव्यू करेंगे क्योंकि एक साल पहले मैंने एक बार रिव्यू किया था, उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिला है और यहाँ के बारे में जो है ऑफलाइन क्लासेस के बारे में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता। आपका नाम क्या? आकांक्षा शुक्ला। कहाँ से आप? मैं एमपी से। आप कहाँ से? ग्वालियर एमपी। तो यहाँ पर दिल्ली में आते हुए कितने दिन हो गया, कितने महीने हो गया? मैं 4 सितंबर को आई थी। अच्छा, 2 मंथ्स हो चुके हम लोगों को। तो अभी अब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? SSC CGL। ऑफ कोर्स है। हाँ, क्रिस्टोफर सिटी क्लासेस। कब ज्वाइन किया आपने? ये 4 सितंबर को ज्वाइन किया था मैंने। 4 सितंबर को ज्वाइन किया था। दोनों एक ही साथ ज्वाइन किया था? हाँ, साथ में ज्वाइन। क्लासमेट हो गया? हाँ, क्लासमेट है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए क्योंकि एक साल पहले मैंने एक बार रिव्यू किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला इससे, हमारे वीडियो देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए भी है। तो अभी फीस में क्या चेंजेस हुई है, करंट क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। 12,500 फीस है सर की, अच्छा पढ़ाते हैं। ड्यूरेशन क्या है? 6 to 7। हाँ, 6 to 7 months में करा देंगे आपका कोर्स कंप्लीट। और लाइफ टाइम कार्ड मिलता है आपको, अगर आप एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो आप दोबारा ही पढ़ सकते हैं। तो दोबारा उनको ऑनलाइन एक्सेस भी मिलता है या फिर ऑफलाइन भी मिलता है? नहीं नहीं, ऑफलाइन एक्सेस ही है, अभी ऑनलाइन तो नहीं दिया है। मतलब जब तक कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, कंसेशन मिल जाता है आपको कि अगर आप ऑफलाइन के बच्चे हो तो मिल जाता है। कंसेशन मतलब कैसे मिलता है? कम कर देते हैं पैसे थोड़ा सा ऑनलाइन, अगर आप लोगे ना ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के लिए होता है ऐसा। मतलब ऑफलाइन के कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन में लेना चाह रहा है तो उनको कंसेशन मिल जाता है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में फी कितना है बताया आपको? ऑनलाइन में आई थिंक 3,000। और ऑफलाइन में अभी कितना बताया आपने? 12,500। ओके, ये बताइए SSC CGL की दोनों तैयारी कर रहे हो है ना, तो कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन बहुत ऑप्शन होते हैं, बट ऑफलाइन अगर कोई दिल्ली में आकर पढ़ना चाहे तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है? मैथ के लिए भी बताएंगे, इंग्लिश के लिए भी, बाकी अपना अपना अप्रोचमेंट है जिसको जहाँ पर समझ में आए। हम लोगों को क्रिस्टोफर सर का बहुत अच्छा लगता है। फिर भी आप लोगों का रिकमेंडेशन क्या है, इंग्लिश के लिए कौन है, मैथ के लिए कौन है? क्रिस्टोफर सर, क्रिस्टोफर सर। मैथ के लिए, मैथ के बेसिक से पढ़ना है तो भारतीय सर बेस्ट हैं, बाकी अपने हिसाब से बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप जीके जीएस के लिए, वो हम सेल्फ कर रहे हैं। यहाँ पर ऑफलाइन लेना, इंसेप्शन कोचिंग भी है और कोचिंग भी थी, फ्रंट लाइन कोचिंग भी है यहाँ पे, बट हम लोगों ने वहाँ लिया नहीं तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं है। तो आप चारों ने मतलब यहाँ पर कोचिंग ले रहे हो? CGL के लिए। कब से लगे हुए हो? अभी आए 1 महीने पहले, इंग्लिश में अभी। अच्छा, इंग्लिश यहाँ पर क्रिस्टोफर सर के पास लिया है। मैथ कहाँ पर लिया? भारती पे। GK GS ऑनलाइन चल रही है सब। रीजनिंग भी ऑनलाइन। तो टोटल ये बता दो, टोटल आपको यहाँ पर दिल्ली में कोचिंग का कितना खर्चा आ रहा है? 43,000। चारों सब्जेक्ट्स मिला 4 लाख है ना? 4 लाख कैसे भाई? 1 लाख की दारू पी जाते हैं ये भाई पीता है, 1 लाख की दारू ही पी जाते हैं यार। तो बढ़ता कब होता है? 45,000 आ रहा हूँ। 45,000 आ रहा हूँ। 45,000 सारा मिला के ऑफलाइन में है ना। तो ये बताओ, कोई भी बच्चा या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर मन लगा कर पढ़े, हार्डवर्क करे कोचिंग के साथ साथ, कितना समय लग जाएगा SSC CGL में? 4 साल। 4 साल अभी एक स्टूडेंट बता रहा था कि 1 साल में हो जाएगा, बन जाएगा वो इंस्पेक्टर। हवाबाजी कर रहे हैं, 1 साल में, 1 साल में, 1 साल में इंस्पेक्टर बन जाएगा। 1 साल में किसी का नहीं, हवाबाजी कर रहे हैं। भाई को 7 साल हो गए, इसे भाई 3 साल हो गए। आपको कितने साल हो गए? 4 हो गए। 1 साल हुआ। अरे ऐसा 3 हो गए। 3 साल। आप बता सकते हो यहाँ पर रियलिटी क्या है, मतलब सिलेक्शन का? कोचिंग तो चल रहा है, लाखों में चल रहा है, सब कमाई का साधन है, कुछ रियलिटी नहीं है। बता दे भाई, ठीक कह रहा है, कमाई का साधन है, कोई रियलिटी नहीं है। हाँ ठीक तो कह रहा भाई, लेकिन मतलब जो अभी बताया जा रहा है कि 1-1.5 साल में सिलेक्शन हो जाता है, होता नहीं? 1-1.5 साल में कुछ मामला नहीं है, किसी का मुद्दा है, बस की बात है, बस होना 2-3-4 साल बाद। अंशु नाम है भाई। अच्छा, कहाँ से हो आप? सोनीपत हरियाणा से। यहाँ दिल्ली में कब से हो? मुझे भाई 5-6 महीने हो गए। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा? मैं CGL ही कर रहा हूँ। अच्छा, CGL का कर रहा?
तो कोचिंग वगैरह आपने कहाँ लिया है? मैंने मैथ्स के एसएस भारती पे ले रखी है और इंग्लिश की क्रिस्टोफर पे ले रखी है और रीजनिंग के विक्रमजीत पे ले रखी है, जीएस खुद कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ ऑनलाइन के लिए तो बहुत ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास, लेकिन ऑफलाइन अगर कोई पढ़ना चाहे यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में आकर, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे आप सीजीएल के लिए? SSC CGL के लिए अगर उनके पास टाइम इनफ है, टाइम की कोई कमी नहीं है, तो SS भारती बेस्ट सर हैं, पढ़ाते अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, और अगर उन्हें जल्दी करना है थोड़ा सिलेबस, तो आदित्य रंजन सर भी अच्छे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर भी करवाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। कोई बच्चा अगर हार्डवर्क करे और साथ साथ कोचिंग भी ले तो कितना समय लग जाएगा नौकरी लेने में? एक साल मान के चलो, एक साल में हो जाते हैं मिनिमम, एक साल में हो जाए, एक साल में हो जाता है। तो ये बताओ कैसा लग रहा है और आपका कौन सा बैच चल रहा है, कितने फ़ी वगैरह दिया आपने? मैंने मैथ्स की दी थी 16,500 फ़ी और इंग्लिश की दी थी 12,500 फ़ी, और मैं मैथ्स के दो बैच लेता हूँ, सुबह वाले 8 से 11 वाले। सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का और किसी का? इंग्लिश का 11 से एक, और विक्रमजीत की मैंने ऑनलाइन ले रखी, मतलब पहले ऑफलाइन ली थी, फिर मैंने ऑनलाइन ले ली, थोड़े सा टाइम इशूज़ पड़ रहे थे तो मैंने ऑनलाइन ले ली फिर। तो टोटल कितना लग गया आपको सारे सब्जेक्ट्स को मिला कर, सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग मिला के टाइम या फिर पैसे? पैसे 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 लग गए होंगे मेरे 16 और 12 28 और 6 वो लगा लो 35,000 के करीब लग गए। ओके, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।